नमस्कार, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पुनः हम उपस्थित हैं एक नए मेहमान के साथ, और आज के हमारे मेहमान हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के फूड ट्रांसपोर्ट और टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर जीएस बाली जी। आइए उनका अभिनंदन करते हैं और एक मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे स्टूडियो में। अभिषेक बाली जी, मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा। राजनीति का एक बड़ा ही लंबा सा आपको अनुभव है, और वैसे आप ब्रह्मा कुमारीज में आए हैं एक सोशल सर्विस विंग के प्रोग्राम के तहत, तो वैसे समाज सेवा और राजनीति दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विशेष जानना चाहूँगा, राजनीति में आपका आना कैसे हुआ? विशेष रुचि थी या कोई विशेष कारण बना? राजनीति और सोशल वर्क जी, इन दोनों को आप अलग करके नहीं देख सकते। नहीं। कोई राजनीति सोशल वर्क के बिना नहीं हो सकती है, और सोशल वर्क राजनीति के बिना हो सकता है। आप राजनीति में सिर्फ राजनीति करने के उद्देश्य से आए हैं कि आम जनता की, आम मानव की सेवा करने के उद्देश्य से आए हैं? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं पहले कई समाज सेवी एसोसिएशन से जुड़ा रहा, अध्यक्ष रहा, अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। वो मेरा पहला जो अटैचमेंट है जिस काम से, वो मेरा पहला काम है जी। और मैं प्रयास करता हूँ कि जहाँ पर सोशली, चाहे राजनीति में आप देखते हैं कि एक विपक्ष है, एक पक्ष है, जो विरोधी होते हैं, जिनकी विचारधारा आपसे विपरीत है, कई बार आप उनको इग्नोर करना चाहते हैं, उनकी बात को नहीं सुनना चाहते हैं। मैं ऐसी राजनीति नहीं करता हूँ। मैं जो राजनीति करता हूँ वो ज़्यादा सोशल काज के लिए करता हूँ कि क्या सोसाइटी को हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं, और जो गरीब से गरीब है, जो बिल्कुल नीडी है, जो देखता है कि समाज मुझे किस नज़र से देख रहा है, क्या मैं समाज में उस स्थान पे पहुँच सकता हूँ जहाँ पर मेरा भी वही स्थान हो जहाँ बाकियों का है, वो प्रयास करते हैं। हम साल में एक अपने विधानसभा क्षेत्र में एक मेला करते हैं, उसका नाम बाल मेला है जी। उसमें तकरीबन 50,000 लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, बहनें आती हैं, बच्चे आते हैं, लोग आते हैं। तो मैं उस दिन प्रयास करता हूँ कि जो मेरे बच्चे खा सकते हों, जो मेरे बच्चे कर सकते हों, वो अपने आसपास के बच्चों को वहाँ, उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं से भी कोई भी आ सकता हो। तो पूरे हिमाचल प्रदेश से लोग आते हैं, उसमें झूले हैं, हाथी हैं, मनोरंजन का प्रोग्राम है, बॉलीवुड से लोग जाते हैं, गाना भी गाते हैं, मेडिकल कैंप है। तो एक प्रयास होता है कि उसको, जो मेरे पास है उसको मैं शेयर कैसे करूँ जी। तो छोटा प्रयास है। ऐसे ही सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं अपने विधानसभा के क्षेत्र में, वो बाकियों को भी काम करते हैं। तो हमने एक बार स्लोगन दिया था, राइट टू स्टडी एंड राइट टू हेल्थ। प्रयास करते हैं जिसको कि किसी को दवाई के बिना नहीं मरने देंगे, किसी को पढ़ाई के बिना नहीं रहने देंगे। तो मतलब ये सारे कार्य चलते रहते हैं, मतलब ये राजनीति और समाज सेवा दोनों एक दूसरे के पहलू हो गए, और समाज सेवा के भाव को लेके ही आपका राजनीति के क्षेत्र से जुड़ना हुआ। विशेष यहाँ आना हुआ था आपका, ये सोशल सर्विस विंग की तरफ से एक विशेष कार्यक्रम रखा गया, और ये कॉन्फ्रेंस का थीम बड़ा ही सुंदर था कि गॉड्स लव एंड पावर, इसको एक्सपीरियंस करना। तो कितना अनुभव, मैं व्यक्तिगत आपसे जानना चाहूँगा, आपको ईश्वर के प्रेम और साथ ही शक्तियों का यहाँ हुआ? ये देखिए, जो आपका सेंटर मेरे वहाँ चलाते हैं जी, वो सीमा बहन जी कई दिनों से बात कर रही थी कि चलना है, और उस वक्त थीम का
तो ज्ञान नहीं था, पर यह था कि चलना है। मैं पहले भी आपके सेंटर में शिमला में भी गया हूँ, और कोई भी व्यक्ति जो समाज के उत्थान के लिए काम करता है, मैं उसको प्रोत्साहन देने का प्रयास करता हूँ। तो मैंने जो अनुभव किया वो सबसे पहले कल मैंने अपने बात में रखा भी कि हम लोग सुबह से बातचीत करते हैं, कोई नमस्ते कहता है, कोई सत श्री अकाल कहता है। एक हमारे मित्र हैं, कई बार मैं मजाक में भी कहता हूँ उनको, वो कहते हैं सबको मिलेंगे, वो कहेंगे सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। तो उसमें उनके पास इतना समय नहीं है कि वो बाकियों को भी कह सके, तो कह देते हैं कॉपी टू ऑल, उससे काम नहीं चलता है। या आपने अपने जो कर्म करने हैं, तो एक बात आपके बड़ी अच्छी लगी जो हर चीज़ को ओम शांति से शुरू करते हैं। तो आप अगर आपका कोई गुस्से से भी आपके पास आता है और आप उसको कहते हैं ओम शांति, तो थोड़ी देर के लिए वो शांत हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए। फिर उसको कोई गुस्सा आएगा तो फिर बोलेगा, फिर बोल देंगे ओम शांति। तो फिर तो मैंने कल यही कहा कि मैं सैकड़ों लोगों को, एवरेज में 700-800 लोगों को, 1000 लोगों को रोज़ मिलता हूँ, तो उसमें प्रयास करेंगे कि एक ये मैसेज क्रॉस द लाइन जाए, जिसमें आज के समाज में आपको सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वो अपने आप को शांत रखने की है। टेंशन बहुत हो गई है हर रिलेशन में, टेंशन है। चाहे वो मेरा अपने कंस्टिट्यूएंट से रिलेशन है, बच्चे हैं उनका अपनी फील्ड है, आप देखते हैं घर में टीवी देखते हैं तो दूसरे को चैनल नहीं बदलने देता कि मैं यहाँ पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, आप दूसरे टीवी पे देख लो। तो ये सारी टेंशन है और टेंशन इसलिए हुई है कि हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, नेचर से परे जा रहे हैं, रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। तो ये जो कम्युनिकेशन बढ़ी है उससे परेशानियाँ भी बढ़ी है। तो थोड़ा सा उसका यहाँ आकर के जो अनुभव मैंने किया वो एक डिवोशन जो हमारे आपके जो सेंटर चलाती है उन लोगों में जो डिवोशन है, अपने कार्य में काफ़ी डिवोटेड है। और कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में जब डिवोटेड होता है, किसी भी कर्म में डिवोटेड होता है, तो उसको अपनी मंजिल जो है वो ज़रूर मिलती है। मैं सुनता हूँ कई बार टीवी के ऊपर भी आपके प्रोग्राम, आप लोग अपनी बात रखते हैं। मैंने कल भी कहा रिलीजन फेथ अलग अलग हो सकते हैं, पर बात बिंदु वहीं पे है सबका, कि सब पीस की तरफ जाना चाहते हैं, सब उस परमात्मा से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। और मैं थोड़ा सा अलग होके, भिन्न होके ये सोचता हूँ, मैंने कल भी कहा था, जब मुझे कष्ट होता है कोई फैसला लेने में, कोई दिक्कत होती है कि किस रास्ते में जाऊँ, ये वाला रास्ता चुनूँ कि ये वाला रास्ता चुनूँ, तो मैं अपनी अंतरात्मा से बात करता हूँ और उसका जवाब मिलता है। तो जब आप किसी को हर्ट ना करें, ये आम जिंदगी में आदमी गलतियां करता है, ये भी नहीं हो सकता कि अगर आप किसी को नाराज नहीं करेंगे, किसी को हर्ट नहीं करेंगे, तो फिर तो आप इस दुनिया से ऊपर उठ गए। गलतियां भी होती हैं इंसान से, मगर गलतियों को रियलाइज़ करके कौन से रास्ते पे जाना है वो रास्ता तो मैंने चुनना है। और जो आपने कहा कि एक्सपीरियंस, ये चीज़ें आराम से नहीं होती हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ जब ये आश्रम बना तो बड़ा डिफ़िकल्ट एरिया रहा होगा, ओवर द पीरियड लोगों ने डिवोशन से इसको डेवलप किया है, एक सुंदर बगीचे का रूप दिया है, और हजारों आदमी यहाँ रोज आ रहे हैं, जा रहे हैं जी। और मैंने आपके सुबह वॉक करती बारी आपके, मैं लंगर में भी गया, बाकी जगह भी गया, मैंने समझने का प्रयास किया कि ये सारा सिस्टम कैसे चल रहा है। तो आप जो अपना मैसेज देना चाह रहे हैं सोसाइटी को, वो मैसेज इसलिए भी अच्छा जा रहा है कि आप लोगों की कमांड जो है वो बहनों के हाथ में है। और मेरा ये मानना है कि जो नारी शक्ति जब ये डिसाइड कर लेती है कि ये काम करना है, तो उसको पूर्ण रूप से और पूरी शक्ति के साथ करते हैं।
तो यहाँ आने का जो अनुभव है अच्छा रहा। तो क्या आपको लगता है बाली जी कि ये जो शांति यहाँ हमें अनुभव हो रही है, बाहर जैसे आपने कहा कि बहुत सारी समस्याएं हैं, व्यक्ति भाग रहा है, किसके पीछे भाग रहा है वो भी नहीं समझ पाता कई बार और अपने आप को अशांत कर लेता है, क्या आपको लगता है कि यहाँ जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा या राजयोग की शिक्षा दी जा रही है, यदि इसे व्यक्ति समझे सीखे तो उसका अशांत मन शांत हो सकता है और वो परम सत्य की ओर बढ़ सकता है? देखिए, ये सब इंडिविजुअल के ऊपर बात आती है कि आप देखेंगे कि जब हम लोग किसी मेले में जाते हैं तो मेले में तो मैं अपने बच्चे को ले गया साथ में, और क्योंकि वहाँ रश होता है तो उसको कोई हर्ट ना करे मैंने गोदी में उठा लिया, मगर गोदी में उठाने के बाद अगर वो बच्चा मेला नहीं देखेगा और सो जाएगा गोदी में तो ये उसके कर्म है। तो यहाँ जो आ गया उसने क्या सीखना है? आएंगे बहुत सारे लोग, मगर उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो सीखेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बिना उसके चले जाएंगे। तो ये ज्ञान जो है ये हर पहलू में हर तरीके का ज्ञान जो है वो आम मानुष की ज़िंदगी में अच्छा अनुभव करवाता है, ऐसा मेरा मानना है कि सबको अच्छा ज्ञान लेना चाहिए, अच्छी चीज़ सोचना चाहिए। यहाँ जो आप लोगों ने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है वो अच्छा एटमॉस्फेयर है, उससे आदमी सीख के जाता है। और जैसे मैंने कल कहा कि मैंने एक लफ्ज़ सीख लिया कि ओम शांति, तो वो एक चीज़ भी अपने जीवन में आप अडॉप्ट कर लो तो वो भी आपकी मदद करेगी। और उसमें यहाँ कई कुछ सीखने के लिए उसके लिए आपको समय चाहिए और डिवोशन चाहिए जी। तो जैसे समय के साथ अपने आप को डिवोट करेंगे आप तो आप उसकी तरफ आकर्षित होंगे, उस काम को करने का प्रयास करेंगे और उस राह पे चलने का प्रयास। आपने समय की बात कही बाली जी, और आजकल ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, हम भाग रहे हैं, इतना ज़्यादा हमारे पास काम है कि हम समय नहीं निकाल पाते। आपको लगता है कि थोड़ा वक्त तो अध्यात्म के लिए, मेडिटेशन के लिए हर एक व्यक्ति को निकालना चाहिए ताकि उसका जीवन व्यवस्थित हो सके, अंदर भी शांत रह सके और बाहर परिवार में समाज में भी शांति रह सके? देखिए, ये बेस्ट सिचुएशन में तो ऐसा करना चाहिए, मगर फिर मैं उसी पोस्टर पे आता हूँ जो आपके वहाँ लगा है कि जैसे हर चीज़ की स्पीड बढ़ती जा रही है, आप अल्ट्रा मॉडर्न लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं और आपकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं। आप पहले घड़े का पानी पीते थे तो ना गला ख़राब होता था, ना बिजली जाने से पानी ठंडा मिलना बंद नहीं होता था। अब आप फ्रिज के पानी के ऊपर डिपेंड कर गए हैं, फ्रिज का पानी चाहिए, ज़्यादा ठंडा हो जाएगा गला भी ख़राब करेगा, और फ्रिज ख़राब हो जाएगा तो ठंडा पानी नहीं मिलेगा तो आपको कष्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आदमी को अपने आप फैसला करना है, ये इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की बात है। इंडिविजुअली आपने कौन सा रास्ता चुनना है, किस रास्ते पे चलना है, वो आपका अपना फैसला होता है। तो मैं समझता हूँ, मगर जो आपने बात कही कि हमें कुछ ना कुछ समय उस प्रभु के लिए, उस समाज के लिए और मेडिटेशन के लिए निकालना चाहिए, ये सिर्फ उस व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है, समाज के लिए अच्छा है कि अगर कम क्रोध होगा तो समाज में भी ज़्यादा लोगों को परेशानी नहीं होगी, अपनी मेडिटेशन करेगा तो दूसरों को पास ऑन करेगा, उसने क्या सीखा आगे गुण सिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, मगर चलते जीवन में उसको कैसे आप अडॉप्ट कर सकते हो, ये एक इंडिविजुअल का अपना
फैसला जो है वो होता है, होना चाहिए। वैसे क्या आपको ये नहीं लगता कि एक सचमुच समाज की और संसार की आज आवश्यकता हो गई है? क्योंकि जैसे जैसे हम देखते हैं समाज में क्राइम रेट बढ़ता चला जा रहा है, घटना चाहिए लेकिन वो बढ़ता चला जा रहा है। आज से यदि 25 साल पहले जाएं, अब देखें, लाख कोशिशें कर लेते हैं लेकिन फिर भी उस चीज़ पे हम एक कंट्रोल नहीं ला पा रहे हैं। तो क्या नहीं लगता कि हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये एक मिसिंग लिंक है स्पिरिचुअलिटी? क्योंकि व्यक्ति यदि अंदर से जागृत होता है, अंदर से मूल्यवान होता है, अच्छा से एक अच्छा मानव होता है, तो शायद बाहर ये जो क्राइम रेट है या ये जो परेशानियाँ हैं वो दिखाई दे रहे हैं, वो कम हो जाएंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, स्पिरिचुअलिटी से तो क्राइम कम होगा ही। अब जो व्यक्ति योगी है, वो जंगल में बैठा है, योग कर रहा है, तो उसको कुछ लेना देना नहीं है समाज के साथ। लेकिन यहाँ एक ऐसा योग सिखाया जा रहा है जो समाज में रह के करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, वो फर्क है कि आप यहाँ पर समाज में रह करके सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी विद कॉमन डे टू डे फंक्शनिंग, वो आप लोग सिखा रहे हैं कि आप अपना काम भी करें, अपना बिजनेस भी करें, अपनी नौकरी भी करें और स्पिरिचुअलिटी भी करें और ये मैसेज भी आगे करें। अब ये चीज़ें सारी अच्छी हैं, मगर कितने लोग, मैं आज पूछ रहा था कि हमारे वहाँ कितने लोग हैं आपके, तो समाज में सबसे बड़ी समस्या जो आ गई है वो सोशल वर्क में अब लोग आगे नहीं आ रहे। हर आदमी व्यक्ति अपने में व्यस्त होता जा रहा है, उसकी प्रायोरिटीज बदल रही है। प्रायोरिटी ये नहीं हो रही है कि कोई बीमार है उसको मैं हॉस्पिटल दिखा के लाऊं, अब प्रायोरिटी ये हो रही है कि मैं जल्दी से जाकर के अपने आप अपना सीरियल कैसे देखूं। तो जब प्रायोरिटी चेंज हो जाएंगी तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, मगर उस फील्ड में अब आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और भी संस्थाएँ अच्छा काम कर रही हैं। तो ये एक प्रयास हो रहा है कि ये जो बिगड़ती हुई व्यवस्था है उसको प्रयास करके ठीक करें। आप कल की बात कर रहे हैं कि अगला कल जो है, अगर आज ठीक करेंगे तो अगला कल अच्छा हो जाएगा। मतलब आज जब आप ठीक कर लेंगे और हम सब ठीक कर लेंगे तो आज ही जो है वो कल है, तो सारा सिस्टम आज ही ठीक हो जाएगा। लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से तो हमें करना होगा, और यदि शुरुआत यहाँ से हो, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो लगता है कि इसके कारण ये हो रहा है, इसके कारण ये हो रहा है, तो व्यक्ति दूसरों के ऊपर तो दोषारोपण कर देता है लेकिन शायद खुद को नहीं देख रहा है। तो क्या हरेक को, आपको बाली जी नहीं लगता कि भारत के हरेक नागरिक को, चाहे वो किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ है, एक इनिशिएटिव ले ले कि नहीं, मुझे सुधरना है और फिर समाज को सुधारना है, जैसा एक संदेश लगातार कुमारियां दे रही हैं, इस संदेश को यदि पालन किया जाए तो क्या आज समाज नहीं बदल जाएगा? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप कि अगर ये हम सोच लें कि मैंने सुधरना है जी, मैंने वही कहा, अगर मैं सुधर गया, मैं ही नहीं आता हूँ, बाकी दुनिया भी आती, मैंने फैसला किया कि मैं ये करूँगा, तो वो सब लोग ठीक हो जाएंगे। मैं यही कह रहा था कि उस दिशा में ब्रह्म कुमारी जो है, जो अपना संदेश दे रही है, वो एक अच्छा संदेश है, मगर वो कितनी तेज़ी से स्प्रेड करेगा, कितना उसका इन्फ्लुएंस होगा, किसी भी रिफॉर्म में आप देखें, किसी भी रिलीजन में देखें, किसी भी समय पर देखें, जब भी समाज में परिवर्तन आया तो उसके लिए एक इंडिविजुअल ने शुरू किया, चाहे आप जीसस से देखें, गुरु नानक से देखें, आप नेल्सन मंडेला देखें, महात्मा गांधी देखें, बुद्धा जी को देखें, एक ना एक दिन कोई आदमी आया जिसने पूरे सिस्टम को रिफॉर्म किया है, चेंज किया है, बदला है, उसके आगे उनके साथ साधन के साथ जुड़ते गए। तो मैंने कल ही कहा था कि ये एक साधन होता है कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया, लोग देखेंगे इसको आगे, ये एक साधन है, मगर इस ऑर्गेनाइजेशन को तो किसी ने स्टार्ट किया, तो जिसने स्टार्ट किया वो आने वाले समय में वो नहीं है व्यक्ति यहाँ, मगर जो एक फिलॉसफी को लेके, एक चीज, एक दिशा को लेके वो चले, उसके ऊपर जो काम करना शुरू किया, तो उसका कहीं ना कहीं से इनिशिएटिव हुआ है। तो मैं समझता हूँ जो ब्रह्म कुमारी कर रहे हैं अच्छा कार्य है, और हर आदमी को अपनी सोच से फैसला करना है, मगर कभी भी किसी चीज़ को देखने में, सुनने में, जब उसका अनुभव करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, अनुभव करना चाहिए।
अनुभव करके ये फैसला इंडिविजुअल ने लेना होता है कि मैं कौन सी दिशा में चलूं। जी, आप यहाँ आए, आपका अनुभव कैसा रहा? वैसे आप पहली बार यहाँ आए हैं ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर्स में, जैसे आप अनुभव की बात कर रहे हैं कि जैसे अनुभव होता है तो व्यक्ति एक परिवर्तन के पथ पे चलता है, व्यक्तिगत अनुभव आपका जानना चाहूँगा। देखिए, मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मैं कल ही आया था, मैंने गया हूँ सारी जगह पे, देखा है लोगों का व्यवहार जो है वो बड़ा शांति प्रिय है। जो यहाँ सब लोग आए हैं उनका व्यवहार जो है, उनके आप एक स्ट्रेस मुक्त उनको देख सकते हैं। स्ट्रेस बहुत कम है। मैं समझता हूँ प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जी का और आगे आप लोगों का काम बढ़ेगा और इसका लाभ जो है वो सोसाइटी को होगा, और हमारे क्षेत्र में भी ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, शांति से रहते हैं, लोगों को अपना बात करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपना अपना काम और अपना मत रखने का हर आदमी को अधिकार है, और उसको कैसे अडॉप्ट करें ये एक इंडिविजुअल की सोच। चलिए, मतलब एक नई चीज़ है, एक नया ज्ञान है जिसे देखने, समझने, स्वीकारने की आवश्यकता है। लाखों लोग वैसे बाली जी इस चीज़ को स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हैं, उनका जीवन परिवर्तित हुआ है, और एक सुंदर संदेश आपने दिया है कि सब इसे स्वीकार करें। फिर भी चलते चलते बाली जी, मैं चाहूँगा कि पीस ऑफ माइंड चैनल हमारा है जिसे लाखों लोग देखते हैं, तो आज इस मंच से, चूँकि आप माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर्स में आए हैं, इस मंच से हमारे सभी दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो सबसे पहला संदेश यही रहेगा कि जहाँ पर आपके जो पीस चैनल में नाम ही आपने जिसका पीस चैनल रखा है, तो जो पीस के लिए ब्रह्म कुमारी जी के यहाँ से काम हो रहा है, मैं समझता हूँ कि उसको आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास जो है वो जारी रहना चाहिए। इस देश में, इस दुनिया में पीस की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज के दिन में शांति हो, इसकी बहुत आवश्यकता है, और शांति के लिए और आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसमें अग्रणी बनी है, मैं उसके लिए आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया वाले जी आपका। आप यहाँ आए, आपने बहुत सुंदर अपने अनुभव रखे हैं, हमारे दर्शक सचमुच बहुत आनंदित हुए होंगे आपके अनुभव से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, बाली जी एक बहुत अच्छी चीज़ लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ओम शांति का एक सुंदर सा मंत्र यहाँ पे सीखा है, और शांति की ही आज सभी को आवश्यकता है, चाहे व्यक्तिगत रूप से देखें या सांसारिक रूप से देखें, शांति की हर किसी को तलाश है। लेकिन ये शांति भी ऐसी है जो बाहर ढूंढने से तो प्राप्त नहीं होगी ना। वो कहा जाता है कस्तूरी मृग जैसे खुशबू की तलाश बाहर करती रहती है, लेकिन कस्तूरी होती उसकी खुद की नाभि में है। वैसे ही शांति हमारे अपने अंदर है, लेकिन शायद हम इतना भाग रहे हैं बाहर कि उस शांति को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। अध्यात्म या मेडिटेशन हमें उस शांति की ओर और उस परम शांति, उस परम सत्ता की ओर भी ले चलता है। इसीलिए हम सब अध्यात्म के पथ पर भी चलें, और साथ ही अपने जीवन को, अपने परिवार को और समाज को शांतिमय बनाएं। अपना ख्याल रखिएगा। पुनः एक नए मेहमान के साथ जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।